तो रात को था मैं इस प्यारी सी लोकेशन पे, जैसे कि आपको पता ही है, और सूर्यदेव अभी जस्ट धरती पे आ रहे हैं गाइज, अभी चेक आउट कर सकते हो। और सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड है यहाँ पे, कोट आप देख पा रहे होंगे कितना मोटा कोट मैंने डाला, रात को दो दो रजाई लेके सोए थे। वैसे तो मैं भाई जी के पास था, मेरे पास सारा सामान है, बट भाई जी ने मेरे को बोला कि पहले तो बोला था कि मेरे पीछे एक टेंट है, अगर मेरे पास कोई आता है रहने को तो आप यहाँ पर अपना टेंट लगा देना, अगर नहीं आता तो आप उसमें सो जाना। और ये अपना शेर आ गया सुबह सुबह, हेलो कैसे, ये रात को बहुत खेला मेरे साथ। तो फिर भाई जी ने मेरे को बोला यार बाहर ठंडा है, क्यों ही बाहर सोना है, हमने दोनों ने खाना खाया बढ़िया और अंदर मस्त बेड बिस्तर था अपना, आराम से सो गए भाई साहब। और सुबह 6 बजे उठ गया हूँ मैं एकदम बढ़िया, थोड़ा मैं अभी वॉक करूँगा, पहले तो वीडियो अपलोड किया है मैंने, फिर अभी थंबनेल पे काम किया है, एंड अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ वॉक करने सराउंडिंग गाँव को घूम के आऊँगा बढ़िया। फिर इसके बाद हमारा प्लान है, इससे आगे हम हमटा वैली जाएंगे बाद में थोड़ा, है ना, बस चेक करो जी सुबह सुबह क्या मस्त भाई बहने, है ना, किसी जन्नत से कम नहीं है ये जगह। तो चलते हैं अंदर, भाई जी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फिर इसके बाद निकलेंगे आगे। जी भाई जी भी उठ जाए, भाई जी गुड मॉर्निंग, कैसी रही रात? बढ़िया बढ़िया, मस्त ना? बहुत बढ़िया। और दोस्तों बाहर धूप निकला ही है, चलते हैं बाहर, है ना। दोस्तों ब्रश और मुंह वगैरह मैंने धो लिया, बढ़िया फ्रेश हो चुका हूँ, गाड़ी भी मैंने थोड़ी सी पहले मैंने धूप लगवाई, बढ़िया स्टार्ट हो गई एक मिनट में, है ना, थोड़ा सा कॉल स्टार्ट कर लेते हैं इसको, फिर चलते हैं भाई जी से मिलते हैं, फिर देखते हैं आगे जाने का क्या प्लान रहता है हमारा, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि भाई जी भी शायद मेरे साथ जाएंगे, तो आज गेस्ट तो इतना है नहीं यहाँ पे, अगर गेस्ट ज़्यादा होता तो भाई जी शायद ना जाएँ, तो आज हम जाएंगे आगे हमटा वैली घूम के आएंगे गाइस, तो जुड़े रहे लास्ट तक ब्लॉग में। और भाई साहब सुबह सुबह गाड़ी हमने वहां से यहाँ लगा दी है, और भाई जी लेके आए हैं मेरे लिए मस्त चाय सुबह सुबह, थैंक यू ब्रदर, ओके वेलकम, मस्त चाय पियेंगे, फिर देखते हैं इसके बाद क्या सीन्स रहते हैं ना। तो दोस्तों 9 बज गए, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, भाई जी ने सुबह सुबह बढ़िया ब्रेकफास्ट करवा दिया, भाई जी गए हैं अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होने, तो इसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर को घूमने, पांडुरोपा कुछ ऐसी जगह है, तो भाई जी बताएंगे अभी फ्रेश होके आएंगे टॉयलेट से। तो भाई जी का ये बहुत ही प्यारा इटालियन पिज्जा है, भाई साहब देखो पहाड़ों में आपको पिज्जा मिल रहा है, क्यों पहाड़ में यार, ऐसे पहाड़ों में इटालियन पिज्जा, भाई रहे हैं दरअसल गोवा में काफी टाइम, 15 साल गोवा में रहे हैं, और भाई जी बता रहे थे कि जो मेरा बॉस था वो इटली का ही था, तो भाई जी वही काम करते थे, और भाई जी का एक्सपीरियंस काफी टाइम से पहले, भाई जी बता रहे थे कि इनका माल रोड है ना जहाँ पे नीचे, तो माल रोड पे इनका ये पिज्जा हट था, फिर इन्होंने यहाँ आपकी अपनी खुद की लैंड है हाइट पे आमता में, तो यहाँ सिंथन वैलीज में, सिंथन विलेज में बढ़िया इन्होंने अपना ये इटालियन पिज्जा हट खोला है, और क्या मस्त भाई भाई यहाँ की है ना। तो ये दो टेंट भी भाई जी के हैं, तो काफी ज्यादा लोग घूमने भी आते हैं यहाँ पे गाइज, विंटर में अलग वाइब है यहाँ की और समर में अलग है, और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, और भाई जी ने देखो कितना मस्त जुगाड़ किया है, ये पानी है जी जड़ी बूटियों वाला पानी है, देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पीछे से आ रहा होगा कहीं हाइट से, और एकदम क्लीन वाटर है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये पाइप जुगाड़ की हुई, ये भी अलग से है, और ये इतना चिल्ड पानी, अभी मैंने हाथ पैर धोए ना यहाँ पे, कसम से पूरी सुरेख खुल गई बॉडी की, मस्त फील हो रहा है अभी। तो दोस्तों अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, भाई जी भी रेडी हो गए, भाई जी कैसे हो? हाँ तो भाई जी पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम विजय कुमार बोध है। तो भाई जी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं इसी गांव से हूँ जी, हमारा ये छोटा सा गांव है सेतन। हाँ जी हाँ जी, तो भाई जी यहाँ पे पिज्जे का काम करते हैं आपको कितना टाइम हो गया? पिज्जा तो मुझे हो गया भाई 24-25 साल हो गए इसी लाइन में ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सितन में 3 साल हो गए। सितन में? हाँ, इससे पहले मनाली में था। जी जी जी, मनाली से शिफ्ट होके मैं इधर आ गया हूँ, ये अपनी जगह है, तो फिर फाइनल अब इधर ही हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह भाई जी। तो बताओ अपने इलाके के बारे में थोड़ा सा, कैसा है क्या है? सितन देखो है तो बहुत छोटा सा गाँव है, लेकिन अभी टूरिज्म नजरिए से देखे तो अभी ये एक डेस्टिनी बन गया टूरिस्ट के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, थोड़ा रोड का इशू है, अदरवाइज विंटर के ज्यादा फेमस है सेतन। हाँ जी हाँ जी, विंटर में यहाँ इग्लू विलेज के नाम से जाना जाता है। हाँ। ये जो पीछे आपकी जो लैंडस्केप है सब जी जी जी, ये इग्लू बनते हैं यहाँ पे। अच्छा आप भी इग्लू बनाते हो? मतलब मैं भी इग्लू बनाता हूँ। हाँ। समर में कैंप तो आपने देखा होगा भाई जी। बिल्कुल, ये कैंप है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और विंटर में इग्लू। हाँ बस मानसून 2 महीने बंद रहता है हमारा जी जी, बाकी हम अब
दस महीने इधर ही रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब ऐसी कुछ प्यारी सी लोकेशन पे भाई जी का आप सामने देख पा रहे इटालियन पिज्जा हट, कल को आप कभी भी यहाँ आते हो तो ये मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ भाई जी का, है ना, ये नंबर है भाई जी का, भाई जी से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो क्यों भाई जी, और सारी एक्टिविटी भी आप करवा दोगे यहाँ पे ना। समर में तो देखो जी यहाँ पे कैंपिंग के साथ डे आउट होता है, राइट, आगे तक जाते हैं जी जी, डे हाइक होता है, राइट। और विंटर में तो बहुत सारी एक्टिविटी है जैसे स्की, हाँ, स्नोबोर्ड और माउंटेन बाइक है, माउंटेन बाइक, हाँ, फिर इग्लू का है, वो तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मैं भाई को लेके जा रहा हूँ पांडुरोपा। यस, पांडुरोपा तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि पांडव के टाइम का है वो, जब वो वनवास टाइम में आए थे तो वहाँ पे रुके थे जी जी जी, भाई को एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलते हैं गाइस, चलते हैं भाई, चलो फिर देर हो गई, चलो तो चलते हैं ऊपर घूम के आते हैं और आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं ना। और ये कुछ प्यारा सा ऐसा हमारा रात का आशियाना था। तो फिलहाल गुड बाय करते हैं इस प्यारी सिचुएशन को, जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक जरूर किया करें। चलो जी गाइस, चलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोस्तों निकल चुके हैं हम प्यारी सी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी भाई जी कर रहे हैं हमारी गाड़ी की राइड। भाई जी कैसा लग रहा है गोरखा चला के? बस यही गाड़ी रह गई थी जो नहीं चलाया। गोरखा फाइव डोर। यस यस, तो आप ही किया है, कोई चक्कर नहीं, चलाओ मस्त तरीके से। ऐसा कुछ इस रोड के हिसाब से नहीं, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट। हाँ सही बोल रहे, ऐसी रोडों के लिए तो ये बनी हुई है भाई साहब। और ये रहा अपना प्यारा सा गाँव सिथन। सिथन ये कितनी 14 फैमिली रहती है? भाई जी बोल रहे हैं कि ये 14 फैमिलियों का गांव है जी, तो अभी तो बढ़ गई होंगी फैमिलीज। हाँ अभी थोड़ा ये लोगों ने अब कंस्ट्रक्शन में को होटल आटल बना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आगे जो ग्राउंड दिख रहा है जी, ये है विंटर के लिए एक्टिविटी ग्राउंड बोलते हैं इसे। okay. यहाँ पे आपको जिप लाइन, ट्यूब स्लाइड, स्की, स्नोबोर्ड, माउंटेन बाइक और इग्लू, ये जगह है देखो, यहाँ पे इग्लू बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे इग्लू। हाँ, ये भी इग्लू बनते थे, इस बार बर्फ बहुत ज्यादा हुई ना। हाँ जी, शेड सारे टूट चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखो उन्होंने जगह बनाया हुआ है, तो ये इग्लू के लिए है जी। और ये रहा सामने जिप लाइन, देखिए ये रहा सामने जिप लाइन। और बाकी यहाँ इस ग्राउंड में मैगी स्टॉल आपको इतने मिलेंगे, मतलब मैगी, ब्रेड, ऑमलेट, स्नैक्स की स्नैक्स बने होती है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ प्यारा सा नजारा है दोस्तों, ये तो है। ऑमलेट, कॉफी, मैगी वगैरह सब यहाँ मिल जाएगा आपको। ढाबा है यहाँ पे, आपको चिकन चावल, राजमा चावल सब कुछ मिलेगा। अच्छा जी भाई, नॉन वेज खाने वाले को लिए यहाँ पूरा प्रबंध किया हुआ, ड्राइवर लोगों के लिए बढ़िया खाना मिलता है। ड्राइवरों के लिए भी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और सामने आप माउंटेन चेक कर सकते हो, पर्वत शिला दिख रहा है ना, एकदम भयंकर। दोस्तों आप ऊंचे, हम एक प्यारी सी लोकेशन में, भाई जी कुछ पेड़ दिखा रहे हैं। भाई जी क्या है बताओ जरा? भाई जी एक जंगली फल है ये देखो, एक इस पेड़ में एक ही फल लगता है, अभी हरा है अभी। अच्छा, क्या बोलते हैं इस फल को, क्या बोलते हैं? ये हमारे लैंग्वेज में कुछ अलग ही है, बट इसको ये सीता फल की तरह ही है। अच्छा जी, सीता फल की तरह। और क्या प्यारी सी लोकेशन है, झील का क्या रहस्य है? ये झील नहीं है, पहले पांडव के टाइम पे जी पांडव लोगों ने यहाँ पे अनाज उगाया था। अच्छा, यहाँ पे देखो आप, ऐसे लगता है जैसे अनाज उगाया हुआ है। सही बोल रहे हो। और इस लेक खासी भी है, देखो इस लेक के ऊपर गाय चल रही है, देखो। जी जी बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे सामने। तो अभी मैं आपको सेम टाइम आपको गुफा भी ले जाऊंगा। अच्छा, ऊपर पांडू केव भी है। ये अब हम आपको ले जा रहे हैं पांडू केव की ओर, तो रास्ता यहीं से है हमारा। और यहाँ पे लोग बोल्डरिंग के लिए भी आते हैं। अच्छा। और इस जगह की खासी एक और है, मैं एक आपको एक सब्जी दिखाना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने निकाल दिया है। अच्छा, तो ये सेम ऐसे ही होता था उस टाइम पे भी, देखो जी जी जी, घास के लेयर होते थे। हाँ,
तो हम लोग नहाते भी थे यहाँ पे और रेस लगाते थे, बट आजकल तो खैर अब नहीं, अब ये गाय लोग मजा ले रहे घास का। सही बोल रहे आप। तो देखिए जी गाय एकदम घास पूरा पूरा बढ़िया चल रहे हैं अभी, तो चलते हैं गाइस आगे की ओर। तो छोटा सा ट्रैक करके हम यहाँ से ऊपर आए हैं, ये रही वो रहस्यमय लेक और यहाँ पे सामने गुफा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास टाइम अपना बिताया हुआ है और ये कुछ ऐसे माउंटेन है, काफ़ी टॉप एरिया। चलते हैं आगे अंदर दिखाते हैं आपको कैसी थी ये गुफा। लो जी बस इस जगह में जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल वो तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई जी बताओ थोड़ा सा इस जगह के बारे में। भाई जी ये गुफा इतनी बड़ी है यहाँ पे, मतलब आप एक बार अंदर ही मस्त ये ऐसी गुफा देखो। तो ऐसी कुछ गुफा है जी अंदर से आप देख पा रहे होंगे तो हमारे। तो भाई जी बता रहे हैं इस जगह के बारे में, भाई जी बताओ जरा। तो जैसे आपको पता ही है कि उन लोगों ने बनवास टाइम पे इस गुफा में कुछ समय गुजारा है, बिताया। हाँ जी हाँ जी। तो अभी तो ये पूरा कमर्शलाइज हो गया, यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक बाबा थे उन्होंने अपना यहाँ पे देखते शिवलिंग स्थापित किया था। ये रहा जी शिवलिंग सामने, और लेके जाएंगे तो वहाँ पे देखिए जी बुद्ध भगवान का भी आपको दिख जाएगा पोस्टर। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए जी बुद्ध भगवान के लिए इन्होंने एक ये पोस्टर रखा और यहाँ पे दिखा दीजिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ ये आपको ले लद्दाख साइड बिल्कुल स्पीति साइड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा है जी। तो भाई साहब ऊपर से आप चेकआउट कर सको, पूरा पत्थर है ये, है ना, पत्थर के अंदर है ये केव। यहाँ पे माँ शेरावाली के फोटो भी लगे हुए हैं, यहाँ पे सामने भोलेनाथ जी विराजमान है, ये बाबा जी ने स्थापित करा ये पांडव, और यहाँ पे अपने लामा जी बुद्धिज्म जी बुद्ध भगवान जी। तो ऐसी कुछ गुफा है, चलते हैं गाइस बाहर। अभी बिल्कुल रिवर्स ही आना पड़ेगा तभी तो। तो ये सामने आप देख पा रहे होंगे विशाल काय पत्थर के अंदर ऐसी कुछ गुफा है, और सुबह सुबह का नज़ारा है। मैं और भाई दोनों ही हैं यहाँ पे, फिलहाल तो कोई नहीं आया, और ऐसा कुछ टॉप का एरिया भाई साहब, मस्त भाई भाई यहाँ की। अरे हाँ फिर से भाई जी इस घास के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या मस्त सा घास फूल देखो। हाँ जी जैस्मीन की तरह लग रहा भाई। हाँ जैस्मीन की तरह, सही बोला आपने। पत्ते इसकी खासियत ये है कि भाई जो शेफर्ड लोग हैं गद्दी लोग, हाँ जी हाँ जी, वो यूज करते हैं अपनी बकरियों को इकट्ठा करने के लिए। अच्छा अच्छा। ये भी ऐसे साउंड क्रिएट होता है। हाँ हाँ वाओ ग्रेट। तो ये यहाँ से अब हम जा रहे हैं आगे की ओर घूमने। यहाँ पे देखो जी पांच बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं स्टेडियम में। हाँ जी हाँ जी। तो ये सामने ऊपर आप देख पा रहे होंगे बहुत प्यारी लोकेशन पे डैम है जी। भाई जी कौन सा डैम है ये? ये हाइड्रो प्रोजेक्ट वालों का जी डैम रिजर्वायर ना जी। हाँ जी हाँ जी जी। तो यहाँ पे कितने सारे लोग कैंपिंग कर रहे हैं यार। ये सामने है जी डैम का व्यू। ये हमारे पूरी भाई का ढाबा है। ये हो इन्होंने देखिए बहुत खूबसूरत बनाया हुआ ये। यहाँ पे आपको देखो पूरी भाई ढाबा में क्या क्या मिलने वाला है देखो मेन्यू। और बढ़िया बढ़िया भाई तो दोस्तों ये एक ऐसी लोकेशन है यहाँ पे लास्ट तक आपकी गाड़ी आएगी, इसके अगर लाउड नहीं है जहाँ के आप देख रहे हो बैरियर लगा हुआ है। और ये सामने भाई जी के डैम, भाई जी कौन सा डैम है ये? ये भाई ये हाइड्रो प्रोजेक्ट झुंझुनवाला का ही है। तो इनका ये जो नेम ही है झुंझुनू के थ्रू जाता है। हाँ जी हाँ जी। और हमने जो नीचे आपको डैम दिखाया था। हाँ जी हाँ जी। और ये भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा। तो और यहाँ से ट्रैक कौन कौन से पीछे टॉप पे बहुत प्यारी प्यारी जगह दिख रही है मेरे को। अभी जितने सारे लोग ये जो यहाँ पे आए सब हम तो पास ट्रैक के लिए है। अच्छा ट्रैकिंग करने जा रहे हैं अभी। वो आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ एरिया देखो जहाँ पे कैंप लगे फिक्स कैंप है। तो मैं गाइस अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ सामने कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर रही है। छिका टॉप है ये? छिका बेस कैंप है वो, वहाँ से जैसे आपका हमटा पास ट्रैक के लिए जाता है। हाँ जी हाँ जी। तीन दिन का ट्रैक है तो आज जितने भी लोग हैं इनका आज कैंप वहाँ पे होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ घोड़े से जाता सारा सामान आप देख सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। और उस तरफ ये हमारे गुजर भाई लोग हैं जो गर्मी में आते हैं अपनी भैंस लेके, तो यहाँ पे उनका तो पूरा ऐसे भाई वे जैसे कि पहलगाम है ना कश्मीर का, वैसा ही लग रहा भाई जी पूरा, है ना, मस्त एकदम। तो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ वो सामने वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं बेस कैंप पे, जो ये देखो जी पेड़ों के उधर टेंट लगे हुए हैं, और ये सामने ऊपर देखे होगा आपको
तीन दिन का ट्रैक है नॉर्मल, तो तीन दिन में बंदे क्या क्या कवर कर सकते हैं इसमें? इसमें तो भाई छिक्का ज्वारा और यहाँ पर हमटा पास बालू गैरा करके फिर छतलू पहुँचते हैं। छतलू आपको पता ही है जो स्पीति रोड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ से आप सेम टाइम आप चंद्रताल के लिए भी जा सकते हो बाय कार। बिल्कुल जी बिल्कुल। वहाँ से फिर आप सीधा काजा निकल सकते हो। काजा निकल सकते हो। तो मतलब अगर बाय रोड की बात करें तो दो दिन में जो ट्रैक हम बाय रोड करते हैं यहाँ से आप एक दो दिन में पैदल जा सकता आदमी? लोकल लोग तो चल जाते हैं एक दिन में भी ना, बट एज ए जो ये ट्रैकर होते हैं इनके लिए तीन दिन का है। तीन दिन। तो तीन दिन के बाद यहाँ से काजा स्पीति भी बंदे निकल सकते हैं। बहुत टॉप एरिया गाइस। और सामने एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल भी मेरे को दिख रहा है, मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको। इस जगह को कहते हैं तुना। तुना। अच्छा जी। वहाँ पे भी हम लोग कैंप, ये जो पेड़ दिख रहा है जिसके अंदर भी कैंप साइट है। अच्छा जी। पर्सनली आप फैमिली के साथ आए तो आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ दिख रहे हैं आपको घोड़े। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, वो भी कैंपिंग एरिया, बहुत बहुत प्यारा। तो चलो इसका रास्ता। हाँ जी हाँ जी। तो गाइज अभी मैं जूम करके आपको ये वाटरफॉल अच्छे से दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा प्यारा सा वाटरफॉल है गाइज। और ये जो नीचे जंगल दिख रहा है इसके अंदर कैंपिंग साइट है, बहुत प्यारी लोकेशन भाई जी बोल रहे हैं। और एंड ये जगह भी कैंपिंग के लिए बेस्ट है ना। तो भाई साहब पूरा वैली घूमने के बाद मैं और भाई जी अभी जा रहे हैं यहाँ से नीचे की ओर, क्योंकि भाई जी को थोड़े से काम भी है, तो अभी निकलते हैं नीचे की ओर गाइस। तो दोस्तों भाई जी जा रहे हैं कुछ सामान लाने नीचे मार्केट में, मैं फिलहाल यही हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आना ना। ओके जी। तो मैं गाड़ी ऊपर ले जा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों वैसे तो मेरा प्लान था आज नीचे जाने का, पर इतनी सुंदर सी जगह, मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। आज भी दिन मैं यही हूँ, भाई जी चले गए नीचे मार्केट पे, और ये अपना जो इटालियन पिज्जा हब है ये अपन के हवाले है। अभी भाई जी ने बोला दो तीन घंटे में आ जाऊँगा, तो फिर से मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है ऊपर बढ़िया स्टाइल से, है ना। तो चलते हैं अभी, थोड़ी देखते हैं क्या सीन पानी है। मैं तो यहीं बैठूंगा और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए बढ़िया। दोस्तों भाई तो काफ़ी टाइम से नीचे गए हुए हैं, मैं यहीं अकेला बैठा हूं। एक दीदी ये यहाँ पे, भाई जी ने उनको बोला था कि भैया को कॉफ़ी चाय पिला देना, तो दीदी जी आए थे, उन्होंने दो कप चाय बनाई खुद के लिए एक मेरे लिए। बढ़िया चाय पी के फीलिंग लेंगे अभी, तो बढ़िया चाय पी के इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 12:30 का। अभी मैंने सुबह से एक बाल्टी पानी बाहर रखा हुआ था, वो धूप से थोड़ा गर्म हो गया क्योंकि यहाँ का पानी बहुत चिल्ड है। एक गर्म हो गया और एक ठंडी पानी, दो बाल्टी से मैं नहा ली हूँ बढ़िया। और अभी मैंने रात का मेरे पास बचा हुआ था भाई जी के पास, तो रात का हमारे पास बचा हुआ था बढ़िया सा पुलाव बनाया था भाई ने। और सुबह सुबह आप देख पा रहे होंगे हल्का सा मैंने घी डाला अंदर से अचार, और मिक्स वेज बहुत अच्छी है इसमें, तो खा लेते हैं क्योंकि अभी तक भाई जी नहीं आए हैं। मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, ना कोई टूरिस्ट आया, तो बाकी देखते हैं। वहाँ यहाँ पे लाइट भी नहीं है जिससे मैं नेट वगैरह चला सकूं। नेट लाइट आएगी, लाइट आएगी तो यहाँ पे वाईफाई चलेगा, है ना। तो भाई जी आएंगे तभी चलेगी शायद, तो खा लेते हैं बाद में देखते हैं क्या सीन रहते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 2 बजने का और अभी तक भाई जी नहीं आए, और मैं बैठा हूँ यहाँ पे आके बढ़िया से। थोड़ी सी प्यारी सी जगह थी, सामने ऊपर कोई भी नहीं है, और मैं थोड़ी देख रेख कर रहा हूँ यहाँ। 4-5 गाय है, तो भाई जी ने बोला प्लीज़ यार देखना कहीं टेंट टूंट पर साइड ना घुसे, इनको ऊपर ऊपर ही रखना। तो टाइम हो चुका है 4:10, भाई जी अभी पहुंचे हैं। भाई जी मैं अकेला तो यार इधर बोर हो गया कब से, इधर 2-3 कस्टमर आ गए, बोला भाई जी कहाँ चले गए। चलो कोई नहीं, शाम को आ जाएंगे। हाँ तो भाई जी लेके आए हैं बढ़िया आम, और एक तो हमारा नुकसान हो गया। नुकसान ये हुआ है कि आईफोन की लीड खत्म हो गई भाई साहब, तो ये जुगाड़ करके हमने एक दूसरी लीड थी तब जाके फोन चार्ज होते, नहीं तो मेरे को अभी भगना पड़ता मार्केट साइड। तो गाइस शाम के 6:30 हो चुके हैं, और भाई साहब सनसेट देखो कितना मस्त हो रखा है यहाँ पे, एकदम बढ़िया वाली वाइब है। मैं और भाई यहाँ बैठे थे, हमने गद्दे गुदे डाले बढ़िया, यहाँ गप्पे शप्पे मार रहे थे बढ़िया। तो अभी अंधेरा होने वाला, फिर खाना खुना बनाएंगे, अपना रेस्ट करेंगे ना। पर ऐसा कुछ नज़ारा है शाम को गाइस, मस्त व्यू आ रहा है अभी। तो यहाँ पे भाई जी लगे हैं, भाई भाई क्या कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो? सारे काम देती है भाई।
हाँ बिल्कुल सही लगाया जुगाड़ आपने ये। और ये जैसे ले लूट के लिए भी अच्छा है ना, आपका हैंड बैग सब डाल सकते हो एक साथ, फॉरनर वाली फीलिंग बोल सकते हैं इसको, अंग्रेजों वाली फीलिंग। स्पीति का ट्रिप बनाने का सोच रहे हैं, देखते हैं इस बार मॉनसून में। हाँ स्पीति में बढ़िया दो तीन बैग फिट करके इसमें सही रहेगा। हम जा रहे हैं थोड़ा सैथन विलेज घूम के आते हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा गाँव का एक्सप्लोरेशन करवाते हैं ना। और शाम का मस्त व्यू रखा है इस टाइम इधर, और ये सुबह गायब हुआ था अभी तक अभी आया है। कहाँ कहाँ घूम रहे हो? इसके लिए बिस्किट वगैरह लाते हैं कुछ, फिर डालेंगे इसको। चल घूमने चलते हैं। तो गाइज ये कुछ ऐसी मार्केट है इस विलेज सैथन विलेज की, सामने आप देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से शाम का टाइम। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 7:20 और अभी हम भाई जी कुछ बना रहे हैं खाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय टेक केयर। और एक बार और